खौफ है। अगर बंदा मैदान कारजार में तलवार लेकर मैदान में उतर खड़ा और खासी की शक्ल में अजमत इस्लाम के लिए, नामूस रिसालत के लिए, इस्लाम की बका को बचाने के लिए अगर मैदान में उतर गया और खासी का वो खिताब उसको मिला तो पता चला इसके दिल में खुदा का खौफ है। इसलिए इसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अहलो आयाल को छोड़ा, सब कुछ कुर्बान करके इसका लकब खाजी कर दिया। हजरत इसलिए उसके दिल में ईमान का उतना जज्बा है। अगर बंदा गाजी है समझो और ईमान वाला है, अगर बंदा नमाजी है उसके उसका ईमान और मजबूत है, अगर बंदा सालेह हो गया समझो उसका ईमान और मजबूत है। ए मुसलमानों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईमान सबसे पहले, ईमान जो है बहुत जरूरी है। अगर आदमी नमाजी हो ईमान नहीं तो बेकार है, आदमी हाजी हो ईमान नहीं तो बेकार है, आदमी बहुत नेक हो लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है। इसलिए मुसलमानों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के दुष्प्रचार माहौल में इस दुनिया में किसी ने किसी के लंबे कुर्ते को देखा तो उसी को ईमान कह दिया, किसी का अमामा बहुत ऊंचा हो गया उसको ईमान कह दिया, अगर कोई चार दिन तक नमाजी नमाज पढ़ने लगा नमाजी हो गया तो नमाज को ईमान कह दिया। अगर आदमी कोई जो है, अगर आदमी कोई कुछ नेक काम करने लगा तो उसी को लोगों ने ईमान कह दिया। कसम खुदा की मिंबरे रसूल से मौलवा अहले सुन्नत की मौजूदगी में चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, न दाढ़ी का नाम ईमान है, न जुब्बा और दस्तार का नाम ईमान है, न नमाज जो है न नमाज का नाम ईमान है। आप कहोगे हजरत ईमान नहीं तो बंद करेंगे, हम दाढ़ी नहीं रखेंगे, अब जुब्बा नहीं पहनेंगे, कुर्ता नहीं पहनेंगे, टोपी नहीं लगाएंगे, हम नमाज की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए एक मौलाना आए थे, उन्होंने कहा था कि ईमान का नाम जो नमाज ईमान का नाम नहीं है, रोजा ईमान का नाम नहीं है, हज ईमान का नाम नहीं है, ज़कात ईमान का नाम नहीं है, तो तब क्या है? इमाम साहब क़िबला से पूछिए, ईमान नहीं तो ये सब है क्या? इसलिए आप बंद कर देंगे। एक मौलाना अब्दुल लतीफ भाई बुलाए थे, वो कह के गए थे कि ईमान नहीं है, नमाज ईमान नहीं है, रोजा ईमान नहीं है, हज ईमान नहीं है, ज़कात ईमान नहीं है, अमले सौले ईमान नहीं है। ए मुसलमानों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ए नसीरुद्दीन महबूबी आपको पैगाम देना चाहता है, ए सुन्नियों जरा इस मसल के बोलो सुभान अल्लाह। ए मेरे भाइयों सुनो, ईमान नहीं है बल्कि ईमान की पहचान का नाम रोजा है, ईमान की पहचान का नाम दाढ़ी है, ईमान की पहचान का नाम कुर्ता है, ईमान की पहचान का नाम रोजा है, ईमान की पहचान का नाम ज़कात है। इसलिए जिसकी अंदर जिस तरीके से ईमान होगा उसी तरीके से मुसल्लम उसका ईमान होगा। आप कहोगे क्या है? ओ मुसलमानों, सबसे असल ईमान का नाम है मोहब्बत रसूल का, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का नाम ईमान है, नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है, मोहब्बत रसूल का नाम जुज़्वे ईमान है, मोहब्बत रसूल का नाम हकीकत ईमान है, मोहब्बत रसूल ही का नाम ईमान है। इसलिए ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ई मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे।